सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। तो फिर से आ चुके हैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग लेकर। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा फ़ोटो कितना अच्छा दिख रहा है। ऐसा ही फ़ोटो आज हम लोग एडिट करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लाऊँ तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाए। ये हमारा ओरिजिनल फ़ोटो है, इसे आज हम लोग एडिट करेंगे। चलिए अपने फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में। हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुका है। यह हमारा प्रीसेट है, इसी से आज हम लोग अपने फोटो को बनाएंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, इसे कॉपी सेटिंग कर लेंगे। और अपने फोटो पर आएंगे और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट सेटिंग कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो एक क्लिक में कितना अच्छा हो गया। कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ मिक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पीले कलर को लेंगे और इसका ह्यू पूरा कम कर देंगे और यहाँ से डन कर लेते हैं। और अपने फोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो हमारा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है, लोग देख सकते हैं। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्टिव ऑप्शन को लेंगे और आप लोग देख सकते हैं हमारे फेस पर एंड हैंड पर कितना ब्लैक है। इस पर लाइट दे देंगे। और यहां से डन कर लेंगे और अपने फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो हमारा फोटो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में आ चुका है। हम लोग एक ब्रश को यूज करेंगे। यह हमारा ब्रश है सॉफ्ट इरेजर, इसका सेटिंग देख लीजिए। आप लोग फॉलो को रख लीजिएगा 20 और स्ट्रेंथ को रख लीजिएगा 29। और अपने फोटो पर आएंगे और साइज छोटा कर देंगे और कुछ इस टाइप से स्मूथ करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है। इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा स्मूथ। चलिए मैं अपने वीडियो को फास्ट कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो हमारा फोटो स्मूथ हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड स्मूथ हुआ है। आप लोग भी ऐसे ही स्मूथ कीजिएगा। अपने फोटो को शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो हमारा फोटो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ चुका है, लोग देख सकते हैं। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कलर वाले पर आएंगे और एक अपने बैकग्राउंड पर ले जाके कुछ इस टाइप से छोड़ देंगे। और आप लोग को जो कलर अच्छा लगेगा आप लोग वो कलर ले लीजिएगा। और हम लोग इसी कलर को लेते हैं और इसे डन कर लेते हैं। हम लोग एक PNG को यूज करेंगे। PNG एंड प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा।
चलिए मैं अपने PNG को ले लिया हूँ, इसे हम क्रॉप कर लेंगे। और इसे हम ब्लेंडिंग मोड कर देंगे। और इसका डुप्लीकेट ले लेंगे, यहाँ से डन कर लेते हैं। अब अपने फोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो हमारा फोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ चुका है। टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्टिव ऑप्शन को लेंगे और आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ हम लाइट दे देंगे। इससे हमारा फोटो और भी अच्छा हो जाएगा, लाइट में आ जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का न्यू ट्रिक लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं।